वेकेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए ला रही हूँ एक ऐसा रिसोर्ट जहाँ पर जकूजी है, सी फ्रंट ये रिसोर्ट है, यहाँ पर ब्यूटीफुल हट स्टाइल रेस्टोरेंट है जो कि सी फेसिंग है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी पास ही में है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना, फाइंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आई हूँ गोवा, गोवा में अभी रुकी हूँ साउथ गोवा में, और साउथ गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के पैलोलिम बीच पर बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं, उसमें से मैं अभी आपके लिए एक रिसॉर्ट ला रही हूँ जिसके अंदर जकूजी है और ये प्रॉपर्टी बीच टच है। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, मैं इसी का आपको जो है पूरा का पूरा टूर देने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर आओगे कैसे, यहाँ की जो रोड की कंडीशन है ना काफ़ी अच्छी है। गोवा के हर एक रोड की कंडीशन बहुत ही अमेजिंग है। आप अगर मरगांव से ट्रेन से आ रहे होगे तो वहाँ से आप है ना डे के हिसाब से अब जो बाइक रेंटल होती है वहाँ से वो करके यहाँ पर आ सकते हो। 300 से 400 रुपीज़ तक आपको जो है बाइक मिल जाएगी, या फिर आप कार से आ सकते हो। कार का थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये जो है बाइक है वो उससे, ये जो जगह है मड़गांव से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर होगी। अमेजिंग प्लेस है, और यहाँ पर इस रिसोर्ट का जो नाम है वो है ला एमोर। बहुत ही अमेजिंग है। मैं अभी आपको अंदर जैसे ही जो रूम टूर देगी ना, आपको सच में समझ आएगा कि ये बहुत ही स्पेशल रिसोर्ट है। यहाँ के जो रूम्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं, नई नई चीज़ें इसमें ऐड की गई है। नॉर्मली बीच के ऊपर क्या होता है, हर एक ही तरह के जो है रिसोर्ट्स रहते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ भी आपको वैरायटीज़ मिले या फिर कुछ अच्छी सर्विस मिले या फिर जो एक्सेसिबिलिटी होती है टूरिस्ट स्पॉट्स की या फिर ये सब कुछ अगर अमेजिंग मिले तो आपको कैसे लगेगा। वैसे ही ये है, क्योंकि यहाँ से बोटिंग वाले जो है वो काफ़ी पास में है। मेन गेट जो बीच का होता है ना, वहीं से बस ये 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप फटाक से जो है बोटिंग करने के लिए जा सकते हो। जैसे कि मंकी आइलैंड हो गया, हनीमून आइलैंड हो गया, बटरफ्लाई बीच हो गया, यहाँ से बोट मिलती है, डॉल्फिन राइड है, जो कि सभी के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स आप यहाँ से कर सकते हो, है ना अमेजिंग। तो चलिए मैं अभी आपको रिसोर्ट दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस, ये है मेन रिसोर्ट, और यहाँ पर इन लोगों की बहुत बड़ी पार्किंग भी अवेलेबल है। ये बैक साइड के कॉटेजेस है, ब्यूटीफुल हर्ट स्टाइल। यहाँ पर इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट बना रखा है। मैं अभी आपको जो सामने के कॉटेजेस है जो सी फ्रंट है वो वाले दिखा देती हूँ। सो गाइस, मैं अभी आपको जो सी फेसिंग कॉटेजेस है जिन्हें जकूजी है वो दिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है, कॉटेजेस भी बहुत ही वंडरफुल है। तो चलिए मैं अभी आपको ओवरऑल ये बता दूँ कि वहाँ पर दो रूम्स है जकूजी वाले। ये है बीच में का रेस्टोरेंट एरिया, उसके बाद यहाँ पर 3 कॉटेजेस हैं जिसमें आपको जकूजी आएगा। यहाँ तीनों को एक आउट दिया गया है जिससे जो आप है सी की तरफ जा सकते हो। ये साइड पर ना आपको जो है ना बीच जो है काफ़ी पास में है रिसोर्ट साइड से। आप वो साइड जाओगे ना इस रिसोर्ट से बहुत, तो जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे आपको बीच का जो दायरा है जो रिसोर्ट से वो बढ़ता जाएगा। तो ये काफ़ी पास में है, आप फटाक से स्विमिंग कर लो। आप यहाँ पर पास में ही जो है यहाँ के जो एक्टिविटी टूल्स होते हैं, बोटिंग, कायाकिंग, वो सब कुछ यहाँ पर है। तो आपको कितनी कार है ना निकालनी नहीं, बस यहाँ पर आना है, स्टे करना है और यहीं से सब चीज़ें घूम लेनी है। मीन्स मंकी पॉइंट हो गया, या फिर आप हनीमून पॉइंट जा लो, या फिर आप बटरफ्लाई बीच जा लो, ये सब कुछ की जो बोटिंग है वो यहीं पर मिलेगी। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ का जो कॉटेज है वो दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा कॉटेज। सो हम लोग अभी रुके हैं नंबर 2 कॉटेज पर। ये आप बाहर से अगर सैंड से आ रहे होगे तो ये पानी से अपने पैर वॉश करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ये है यहाँ का बाहर का एरिया। ये है जकूजी जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। मैं आपको लास्ट में नहीं दिखाऊंगी, फर्स्ट ही आपको ये सब कुछ दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी के लिए ये वुडन के पार्टीशंस दी हैं। इसकी जो सीटिंग है ये हम लोगों को ये बाहर के साइड पर दी है।
अब ये देख सकते हो ये साइड पर हम लोगों को सिटिंग दी गई है इसकी, मतलब यहाँ पर आपका जो सिटिंग एरिया नहीं है बाहर की तरफ दिया है जो इससे काफ़ी पास में है। ये जो कॉटेज है हमें अभी अंदर से दिखा देती हूँ। ये रहा बेड जो कि किंग साइज बेड इन लोगों ने यहाँ पर दिया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एसी है और यहाँ पर ना आपको दिया गया है सनरूफ। आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है ना, ऐसा आपको कहीं पर भी कौन से भी रिसोर्ट में नहीं मिलेगा, यहीं पर आपको सनरूफ दिया गया है और सामने बड़ी फ्रेंच विंडो दी है जिससे आप जो है बेड पर लेटे लेटे जो सी व्यू है उसे देख सकते हो। सो यहाँ पर इन लोगों ने छोटा सा वार्डरोब दिया है जहाँ पर एक हैंगर भी है जिस पर आप अपने क्लोथ सुखा सकते हो, ड्रॉवर भी दिया है ये रहा। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने दिया है एक मिरर। सो ये यहाँ पर मिरर है, व्यू काफी अमेजिंग है। उसके बाद मैं अभी आपको यहाँ का जो वॉशरूम है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर साइड टेबल रखा है जहाँ पर केटल और पाउचेस है, अगर आपको अपनी कॉफी बनानी हो तो आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। वाटर बॉटल भी यहाँ पर रखी गई है और ये है रूम सर्विस का नंबर। यहाँ के सभी डोर जो है स्लाइडिंग डोर्स है। सो ये रहा यहाँ का वॉशरूम। शैम्पू और जो हैंड वॉश है यही पर रखा गया है, मिरर दिया गया है सामने की तरफ और ये है ये साइड शॉवर एरिया दिया है। काफ़ी बड़ी स्पेस है, नॉर्मली कॉटेज होते हैं उनको इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती। ये है बेडरूम और ये है सी व्यू और जकूजी, बहुत ही अमेजिंग है ना। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रूम कैसे लगी। यहाँ पर एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे लाइव म्यूजिक होता है, तो अगर आप वीकेंड्स में आ रहे होगे तो यहाँ पर लाइव म्यूजिक देखने का भी आपको चांस मिल सकता है। ओवरऑल रिसोर्ट काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा है। बैक साइड पर भी इन लोगों ने यहाँ पर कॉटेजेस दिए गए हैं। बीच फ्रंट और बैक साइड के जो कॉटेजेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं अभी आपको जो बैक साइड के कॉटेजेस है वही दिखा देती हूँ। बाहर की तरफ इन लोगों ने सिटिंग दी गई है, लैंप्स है, ब्यूटीफुल लाइटिंग है, स्लाइडिंग के डोर्स है। यहाँ पर सभी कॉटेजेस एसी कॉटेजेस है। उसके बाद क्वीन साइज बेड दिया है, एसी रूम है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको साइड टेबल और बड़ा सा एक छोटा सा वार्डरोब भी दिया है, हैंगर है, केटल है, वाटर बॉटल्स है, स्लाइडिंग डोर अगेन, वॉशरूम भी सेम है आपको, शॉवर एरिया अलग से बनाया गया है, गीजर की फैसिलिटी है, ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं अभी आपको रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। सो गाइस ये देखो, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, कैफे एरिया, जहाँ पर आप जो है बैठकर इस व्यू को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी जो यहाँ का मेनू कार्ड है वो देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है। सो यहाँ पर आपको ना हेल्दी ब्रेकफास्ट, फ्रेश फ्रूट जूस, पैनकेक, टोस्ट, ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, बर्गर, स्टार्टर, सलाद, रायता, सूप, और कॉन्टिनेंटल मेनू है, वेजिटेबल डिलाइट, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस, चाइनीज है, टिबेटियन फूड है, ऑलमोस्ट सब कुछ है, ऑथेंटिक इंडियन होगा, इटालियन होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर इन लोगों ने दिया है। बिरयानी, राइस, अच्छा है मेनू यहाँ का। प्राइस जो मैं इसके बारे में कह दूँ कि ये थोड़ी सी हायर रेंज पर जाती है क्योंकि ये बीच टच प्रॉपर्टी है और जो सभी के सभी जो शैक्स हो या फिर रेस्टोरेंट हो जिसे बीच फेसिंग होगी उनकी प्राइस यही रहती है। आप जैसे अंदर जाओगे तो आपको वैसे प्राइस जो है वो कम मिलेगी, लेकिन फिर भी उसमें ये बहुत अच्छा है। मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ का फूड भी बहुत ही बढ़िया है और बार मेनू भी है बहुत ज़्यादा। सो आप यहाँ पर आओगे तो फूड को सच में बहुत ही एंजॉय करोगे, वो भी बीच फेसिंग, अमेजिंग। और यहाँ पर है ना सामने की ओर कायाकिंग भी होती है तो वो भी आप कर सकते हो।
ओवरऑल यहाँ पर हर एक एक्टिविटीज पास में भी होने वजह से ना इस रिसोर्ट को प्रेफर करने में कोई भी मतलब डाउट नहीं है, आप ना नहीं कह सकते, ऐसी ये प्रॉपर्टी है, मुझे तो काफी पसंद आई। वैसे एक चीज यहाँ पर आप नोट कीजिए कि आप गोवा में हो, बीचेस के ऊपर यहाँ के एरियाज के ऊपर ना इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज ज्यादा है, तो आपको वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये नॉर्मल होता है, तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए। सो गाइस, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बहुत ही बेस्ट है, सी फेसिंग है और बहुत सारे एक्टिविटीज एरिया यहाँ पर पास में ही है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर स्टे करने के लिए। मैं अभी आपको इसके प्राइस के बारे में बता दूँ, इसके बारे में मैं साउथ गोवा के बारे में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा रेन होता है, तो उसके वजह से यहाँ के जो रिसोर्ट्स है जो कि बीच टच रिसोर्ट्स है वो क्लोज रहते हैं, उनसे थोड़ी दूरी पर जो रिसोर्ट्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं, तो हम लोगों को जून से लेकर सितंबर तक ये जो रिसोर्ट्स है वो क्लोज रहते हैं, उसके बाद अक्टूबर से फेब तक इन लोगों का सीज़न रहता है और अप्रैल मई में ज़्यादा क्राउड यहाँ पर नहीं रहता, तो ऑफ सीज़न रहता है, तो इसके जो चार्जेस है ना वो बहुत चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको मैं इस रिसोर्ट का जो है कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ही आना, तो ये इसके जो प्राइस है ये इसी के ओनर या फिर मैनेजर होगा वो आपको बता देंगे, तो वहीं पर आप बुक कर सकते हो। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain.